मतलब जिन जिन टॉपिक्स को इकोनॉमी सेक्शन में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में टच किया था, उसको कंटेंट बनाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। सी गाइस, प्रीलिम्स हो गया है तो हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं। इस सीरीज में प्रीलिम्स के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पोर्शन में आए थे, तो उन क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उन क्वेश्चंस में जो टॉपिक पूछे गए थे, उन टॉपिक्स पे हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे और हर एक टॉपिक को डिटेल में जाके एक्सप्लेन करेंगे, राइट? मतलब जिन जिन टॉपिक्स को इकोनॉमी सेक्शन में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में टच किया था, उसको कंटेंट बनाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग वीडियो सीरीज बना करके कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है? सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को। नाउ व्हाट इज दिस प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर? यूपीएससी में इस बार एक क्वेश्चन आया जिसपे उन्होंने एक टेबल बनाई। उस टेबल में उन्होंने एक साइड कुछ एक्टिविटीज लिख दी और अनदर साइड उन्होंने सेक्टर का नाम लिख दिया, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो अगर हम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है एंड व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, देन वी कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन। एंड बाय द वे, क्वेश्चन वाज वेरी इजी। सो लेट अस अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, दैट व्हाट इज आवर प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो देखिएगा, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि इन्वॉल्व है, ध्यान दीजिए, एनी इंडस्ट्री या एनीथिंग दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो कि एक्सट्रैक्ट करे या प्रोड्यूस करे रॉ मटेरियल्स, ठीक है? जैसे कि आप फार्मिंग ले लीजिए, आप फार्मिंग में क्या करते हैं, आप रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? और ये एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स कैसे होता है? दिस एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इज डन विद द यूज ऑफ अर्थ, जो अर्थ अवेलेबल है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और बोथ, या तो अर्थ का इस्तेमाल करेंगे रॉ मटेरियल्स के प्रोडक्शन के लिए या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे रॉ मटेरियल्स के प्रोडक्शन के लिए, या फिर दोनों का भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया, तो फार्मिंग में आप क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज डन यूजिंग अर्थ। सेकेंड, फिशिंग, फिशिंग में क्या करते हैं, सी से फिश को कैच करते हैं, अगेन अर्थ इन्वॉल्व है। आप फॉरेस्ट्री करते हैं, तो फॉरेस्ट्री में यू कट डाउन दी ट्रीज फॉर वुड और टिम्बर, तो इसमें भी क्या है, अर्थ इन्वॉल्व है। माइनिंग करते हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अर्थ को यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए मिनरल्स के। सो ऑल दीज कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में कुछ की पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन होगा या फिर एक्सट्रैक्शन होगा, किन चीजों का, ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट? इनको रॉ मटेरियल्स क्यों कहते हैं, ये भी अभी हम समझेंगे, ठीक है? दूसरी बात, कहां से होगा, अर्थ और नेचुरल रिसोर्सेस और बोथ, नेचुरल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को मैं शॉर्ट में RSS लिखे दे रहा हूं। अब बात आती है, व्हाई डू वी कॉल दीज प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स? सो सी गाइज, दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज रॉ मटेरियल्स बिकॉज दे सर्व एज द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्राइमरी सेक्टर में जो भी हमारा प्रोड्यूस आया है वो रॉ मटेरियल का काम करता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ड रॉ मटेरियल्स। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सो ये सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? बेसिकली गाइस, सेकेंडरी सेक्टर इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसी को इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर से रिफर किया जाता है, राइट? When we say secondary sector, then what's the use of secondary sector? So see guys, it is a manufacturing sector which is going to produce goods and services. ये goods या service को manufacture करेगा, produce करेगा by using the raw materials provided by the primary sector. Primary sector ने जो raw materials provide करे हैं, उनका इस्तेमाल करके ये sector goods और services को manufacture करेगा. Understood? तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं? दैट इट इज बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेस यूजिंग रॉ मटेरियल provided by primary sector. ठीक है, primary sector ने जो raw material available करवाया था by the use of earth or natural resources, उस raw material को secondary sector ने use किया किस लिए? Goods और service को manufacture करने के लिए. ठीक है, moving on, I hope this is clear. Moving on to tertiary sector. अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करें, सो सी, टर्शरी सेक्टर का मेन जॉब होता है प्रोपोगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय योर सेकेंडरी सेक्टर. यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज सेकेंडरी सेक्टर ने हमें अवेल करवाई, प्रोड्यूस करी, उन गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुंचाना, उसको प्रोपोगेट करना, ठीक है, ये काम होता है टर्शरी सेक्टर का. इसलिए टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि सर्विस का क्या मतलब हुआ? सर्विस मींस कि आपको चीजें अवेलेबल करवाई जा रही हैं, एंड दैट्स व्हाट द यूज ऑफ टर्शरी सेक्टर इज. ठीक है, तो इसके की टेक अवेज क्या है? दैट इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोपोगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of goods and services produced by secondary sector. Okay. इसको basically आप service sector भी बोलते हैं, because it renders services. Clear? Okay. So guys, इस पे हमारा question आया था prelims. इस पे बहुत इजी क्वेश्चन था, टेबल को मैच करना तो बताना था कितने ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड हैं. ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.